नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जब बैठक हुई तो उसके बाद यह फैसला लिया गया कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो इसलिए उनका आगे का पठन पाठन चलता रहे तो फिर उसका परिणाम घोषित होना चाहिए और 12वीं की परीक्षा का इंतजार खत्म होना चाहिए। उस फैसले के बाद तमाम राज्यों ने भी अपनी अपनी तरफ से परीक्षाओं को रद्द करने का जो उनके आंके बोर्ड हैं फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश इस पर क्या सोचता है, हमारे साथ खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत आभार दिनेश जी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, इसके पहले भी मैंने जब आपसे चर्चा की थी तो आपने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं और जो कुछ फैसला होगा, अगर परीक्षा करवाना होगा तो हम उसकी भी तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन केंद्र अगर निर्णय ले लेगा तो उसके बाद ही बेहतर होगा। अब केंद्र की तरफ से निर्णय लिया गया, कई राज्यों ने निर्णय ले लिया है, उत्तर प्रदेश की क्या इस वक्त स्थिति दिख रही है और आप लोग किस दिशा में सोच रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है जी कि हमने प्रस्तावना करी थी कि जुलाई के द्वितीय माह में यदि स्थितियां सामान्य होती हैं तो हमारी परीक्षा की तैयारी पूरी है और हम 12वीं की कक्षा की परीक्षा कराएंगे, ऐसा हमने पहले कहा था। और इसके लिए जो भी हमारी तैयारियां होती थी हम लोग 3-4 महीना पहले करते थे जी, तो इसलिए हमारी तैयारियां सारी पूरी थी पहले से। हमने उसके लिए तमाम प्रयोजन भी रखे थे कि हम 1.5 घंटे की परीक्षा कराएंगे, 3 प्रश्न पूछने होंगे, दूरी होगी और हमारे ज़्यादातर जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनकी हम संख्या बढ़ाएंगे, तमाम विकल्प हमने दिए थे। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के हित में पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया है, कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी कोरोना की स्थिति सामान्य नहीं है, और जैसे तमिलनाडु है, तेलंगाना है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, कर्नाटका है, ऐसे तमाम प्रदेश हैं जहाँ की महाराष्ट्र है कि अभी स्थितियाँ सामान्य की ओर नहीं बढ़ पाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम कहें तो हमारे लिए सुखद अनुभूति है कि हमारे वहाँ अब जो 3,10,000 से अधिक एक्टिव केस थे अप्रैल महीने में जी, वो घट के लगभग 30,000 के आसपास पहुंच गए हैं और जो रिकवरी रेट हमारा था वो बढ़ के 97.1% हो गया है और जो पॉजिटिविटी रेट था वो 0.3 के आसपास हो गया है जी। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको वर्णित करें तो हमारा उत्तर प्रदेश की स्थिति सामान्य स्थितियों की ओर अग्रसरित है और हमने 66 जिलों में जो दिन का कर्फ्यू था उसको हमने उसमें परिवर्तन किया है, ठीक है, और तेजी से अन्य जिलों में भी 600 से कम पॉजिटिव केस हमारे आ रहे हैं। तो जिस जिले में 600 से कम पॉजिटिव रेट आ रहे हैं वहां हम कोरोना कर्फ्यू दिन में हटाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी स्थितियों का आकलन हमें करना है और इन आकलन के आधार पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठेंगे और जो प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय हुआ है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम उत्तर प्रदेश में किन स्थितियों का कर सकते हैं, क्योंकि एक पक्ष विद्यार्थियों का भी है जिसका कथन है कि आप 12वीं की परीक्षा इसलिए कराएं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है उनके जीवन में और उनका अंकन के आधार पर उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है या कंपटीशन जो अन्य चाहे जेई का हो चाहे पीसीएस का हो या तमाम हो उसमें उनकी एक सहभागिता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आज इन सारी स्थितियों का आकलन करने के बाद जल्दी ही हम एक हफ्ते के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे अधिकारी हम लोग बैठेंगे और फिर हम उत्तर प्रदेश के बारे में निर्णय लेंगे। दिनेश जी, एक हफ्ते का इंतजार अभी करना पड़ेगा, आप जैसा कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ आप लोग बैठेंगे और उस पर मंथन होगा, परिस्थितियां क्या होंगी और कैसी भविष्य की परिस्थितियां दिख रही हैं? हफ्ते भर का इंतजार नहीं कह रहा हूं मैं, मैं हफ्ते भर का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि एक हफ्ते के पहले ही सारे निर्णय हो जाएंगे, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर ही निर्णय हो जाएगा। लेकिन दिनेश जी, जैसा आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर खुद उठाया है कि एक पक्ष अभिभावकों का या बच्चों का भी है, क्योंकि जो बच्चे हैं 12वीं के उनके लिए जो 12वीं की परीक्षा होती है वो एक तरीके से आधार होता है, नींव होती है, फिर आगे उनको किस दिशा में जाना है, किस सेक्टर में जाना है, कौन सा सेक्टर उनको चुनना है, बायो में जाना है या फिर कॉमर्स में जाना है, ये बहुत सारी ऐसे सवाल हैं।
जो कि उन बच्चों के मन में आ रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनी कि कई राज्यों की तरह या सीबीएसई की तरह उत्तर प्रदेश में भी परीक्षा को रद्द किया जाता है तो फिर मूल्यांकन का आधार क्या वही होगा जैसे सीबीएसई ने अपने लिए तय किया है? देखिए, सीबीएसई की जो परीक्षा पद्धति है उस पर और हमारी परीक्षा पद्धति में अंतर है। बिल्कुल, उनके वहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पहले से चल रहे हैं जबकि हमारे वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीबीएसई में पहले से चलते हैं और हमारे वहाँ जो समानता 10 क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया आज भी लागू है। तो हमारे वहाँ मिड टर्म एग्जाम की व्यवस्था नहीं जबकि सीबीएसई में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल, पहली बार हम लोगों ने प्री बोर्ड की परीक्षा कराई है तो हमारे विकल्प अलग होंगे, उनके विकल्प अलग होंगे, लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड प्रयागराज के संदर्भ में जो विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक हो सकेंगे उन विकल्पों को लेकर हम लोग आएंगे जिससे हमारे बच्चों का जो 12वीं के बच्चे हैं उनका भविष्य संरक्षित रहे। दिनेश जी, जैसा आपने कहा कि दोनों का पैटर्न अलग है, क्वेश्चनिंग का पैटर्न अलग है सीबीएसई आईसीएसई की तुलना में, अगर हम यूपी बोर्ड को देखें तो वहां पर उस पैटर्न में अगर परीक्षा कराने की जरूरत पड़ती है और आप लोग ये तय करते हैं कि नहीं परीक्षा करानी जरूरी भी है बच्चों के भविष्य को देखते हुए, तो फिर वहां पर क्या विकल्प होगा? क्योंकि जब केंद्र की तरफ से सुझाव मांगे गए थे तो ये कहा गया था कि एक दो विकल्प दिए जा रहे हैं, आप क्वेश्चनिंग को कम कर सकते हैं, आप परीक्षा का जो टाइम आवर है उसमें कमी कर सकते हैं, बच्चों की संख्या को अलग अलग कर सकते हैं। अभी 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 जी जब हम निर्णय ये करेंगे कि परीक्षा कराना है तब हम इन सारे विकल्पों पर हम विचार भी करेंगे। अभी हमने हाई स्कूल के संदर्भ में निर्णय लिया है जी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वही लगभग सीबीएसई बोर्ड भी उसका अनुपालन कर रही है जी। जी, हाई स्कूल के संदर्भ में हमने लिया है कि जो हमारा मिड टर्म जो भी किस आधार पे हम इसका फैसला करें इसके लिए हमने कमेटी बनाई है। कमेटी इनके अंकन अंक तालिकाओं में अंकन किस प्रकार हो उसका आधार क्या हो इसका निर्णय करेगी। हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और जो विद्यार्थी हमारे दिए जाने वाले अंकों से सहमत नहीं होगा उसके लिए विकल्प हम लोग हाई स्कूल में रख रहे हैं कि जो सामान्य परीक्षा जब हो तब या उसके लिए कोई विशेष परीक्षा भी अगर कराने ये जरूरत पड़े तो हम कराएं, वो उन परीक्षा में बैठेगा भले ही वो 2022 में क्यों ना हो, हम उसको 2021 की परीक्षा मानते हुए अंक देंगे और अंक तालिका उसकी तैयार होगी। ये हमने हाई स्कूल के लिए विकल्प दिया है। इस प्रकार के तमाम विकल्प हैं जिनमें हम भविष्य में विचार कर सकते हैं, लेकिन पहले तो ये निर्णय हो कि 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में हम क्या निर्णय लेंगे, ये निर्णय के बाद हम लोग तय करेंगे। दिनेश जी, ये एक फैसला सरकार को करना है केंद्र के निर्णय को देखते हुए, लेकिन कई राज्यों ने तुरंत इसका स्वागत किया, खासतौर से दिल्ली की बात कर ले, मनीष सिसोदिया तुरंत आ गए, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट तुरंत आ गया कि हम तो यही बार बार कह रहे थे और जानबूझकर एक लंबा इंतजार कराया गया बच्चों के लिए, बच्चे परेशान होते रहे, एक पॉलिटिकल बयानबाजी है। लेकिन अगर हम सिर्फ बच्चों के हिसाब से सवाल पूछें, अभिभावकों के हिसाब से पूछें, आप तक किस तरीके की सूचना पहुंच रही है या लोगों की मांग पहुंच रही है जो कि अभिभावक के तौर पर अपनी बात पहुंचा रहे कि ये होना चाहिए, उसको अगर हम देखेंगे तो अपने आप वहीं से निर्णय हो सकता है कि कितनी बड़ी संख्या उनकी है जो कि पक्ष में है या विपक्ष में है? नहीं, कोई ऐसा सर्वे थोड़ी कराया है हमने, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से टेलीफोन करके इस बात को कहते हैं कि हमने तो साल भर पढ़ा है, हमारी परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमारी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, कृपया करके आप परीक्षा न कराएं। दोनों तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। हमको इन दोनों विकल्पों में जो भी ज्यादा सुरक्षित होगा बच्चों के लिए, पहले उनका जीवन सुरक्षित हो फिर उनका कैरियर भी सुरक्षित बना सके, इसके लिए भी तरफ हम आगे काम करेंगे। दिनेश जी, बहुत माकूल एक सवाल आता है खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखें, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो कि अपने आप में बहुत प्रसिद्ध विश्वविख्यात है और वहां से जो डॉक्टरी की पढ़ाई करके बच्चे निकलते थे और विदेशों में जाते थे ऊपर की पढ़ाई करने के लिए, एमएस करने के लिए, एमडी करने के लिए, बीच में पॉलिटिकली जब नाम का बदलाव हुआ किसी सरकार के दौर में तो तमाम उन बच्चों को विदेशों में जाकर चुनौती का सामना करना पड़ा क्योंकि जो नाम बदला गया उस नाम को नहीं पहचानते, वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के नाम से ही पहचान रखते थे या जानते थे,
और जब वहां पर उनको दो तीन एग्जाम देना पड़ता था, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का अगर बच्चा होता था तो उसको एक एग्जाम कम देना पड़ता था। फिर तमाम डॉक्टरों ने इसको लेकर लिखा कि भाई पॉलिटिक्स के चक्कर में उन बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और फिर उसमें बदलाव भी हुआ। जब 12वीं की परीक्षा, अगर इस तरीके का फैसला लिया जाता है कि मूल्यांकन का पैटर्न सीबीएसई वाला होगा या जैसा आप लोगों ने 10वीं के लिए सोचा है, तो उससे क्या उन बच्चों के लिए कोई स्थिति ऐसी तो नहीं हो जाएगी कि उनको भविष्य में दिक्कत आएगी अगर वो पढ़ाई करने जाते हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बड़े इंस्टीट्यूट में? क्योंकि बहुत कम मार्जिन पे जो कट ऑफ लिस्ट निकलती है उसकी लड़ाई हमने देखी है पिछले तमाम सालों में। देखिए, आपकी आवाज बहुत ज्यादा साफ ना आने के कारण मैं पूरा क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है कि अंकन प्रक्रिया, अगर अंक देने के, मार्क्स देने की प्रक्रिया हमारी ठीक ना हुई तो बच्चों के भविष्य पे असर पड़ सकता है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी जी, ये प्रश्न हमारे अंतर्मन में पहले से ही सरकार के संज्ञान में है, और हमारी पूरी कोशिश है कि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत ही हम लोग अंकन की प्रक्रिया को अपनावे। दिनेश जी, प्रियंका गांधी ने फौरन जैसे ही प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हुई और ये फैसला आया, धन्यवाद आपका, मैं दूसरे उस पे हूं। ठीक है, चलिए, एक अगर संभव हो तो इतना सवाल का जवाब दे दीजिए दिनेश जी। प्रियंका गांधी ने लिख दिया, उन्होंने कहा कि बच्चे अब मस्त रहिए, खुश रहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो कह दिया कि बच्चों के लिए फैसला हो गया। चलिए, शायद जवाब नहीं देना चाहते, बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम, उनका कहना है कि जो फैसला अभी लिया गया है वो फैसला केंद्र स्तर पर अगर ले लिया गया तो हम भी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर क्या फैसला होगा ये एक हफ्ते के भीतर ही तय हो जाएगा। यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसका फैसला बहुत जल्द दिया जाएगा। एक हफ्ते में 12वीं की परीक्षा पर फैसला लेने की उन्होंने बात कही कि मुख्यमंत्री से वार्ता होते ही एक हफ्ते के भीतर ही इसका निर्णय आएगा, और हम भी बहुत संभव परिस्थितियों का आकलन करेंगे। कई राज्यों ने अपने आकलन के आधार पर तो निर्णय लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी, और अगर आने वाले कुछ समय में स्थिति और बेहतर हो जाती है तो हम परीक्षा की तैयारी भी करके बैठे हैं, उसका पैटर्न क्या होगा इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। और साथ ही अगर मान लीजिए परीक्षा को रद्द करना पड़ता है तो मूल्यांकन का पैटर्न क्या होगा, सीबीएसई वाला होगा, क्योंकि यूपी बोर्ड अपने आप में बहुत लेंदी बोर्ड माना जाता है, उसकी जो पठन पाठन की जो पैटर्न परीक्षा की है बहुत लेंदी माना जाता है, तो क्या उसमें ये एक अड़चन तो नहीं आएगी, इस पर भी विचार कमेटी करेगी, उसका गठन भी किया गया है।